रायगढ़ के युवा विधायक प्रकाश नायक ने जिले के पुसौर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम बिंजकोट में करीब 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने सड़क निर्माण कार्य के लिए गांव के सरपंच सहित ग्रामवासियों को बधाई दी। रायगढ़ के युवा विधायक प्रकाश नायक ने जिले के पुसौर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम बिंजकोट में करीब 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने सड़क निर्माण के कार्य के लिए गांव से सरपंच सहित ग्रामवासियों को बधाई दी। इसी तरह उन्होंने बिंजकोट में 10 से 33 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक शाला स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। बोईर दादर मुख्य मार्ग से भवरपुर पहुंच मार्ग तक 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड तथा 80,000 रुपए के पचड़ी निर्माण का भी भूमि पूजन किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार विकास को लेकर प्रयासरत है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और भी तेजी से विकास करेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। विधायक ने इस दौरान सभी ग्रामवासियों को शासन द्वारा जनहित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने की अपील की। बताया गया कि गांव में सीसी रोड के बनने से काफी हद तक समस्याओं से राहत मिलेगी। देखिए, बीच कोई पंचायत में सीसी रोड और एक स्कूल भवन की स्वीकृति मिली है, तो दोनों का भूमि पूजन था और हमारा प्रयास है कि हमारे गांव बहुत विकसित हो और सुविधा से लैस हो और उनको कोई अभाव न हो, तो ये काम बहुत जल्दी सफल होगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24। सारंगढ़ के एक व्यापारी के गाड़ी को रोककर मारपीट व लूट करने वाले आरोपियों में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग है। फिलहाल पुलिस मामले में संलिप्त 2 अन्य लोगों की पतासाजी कर रही है। सलमान खान व उनके साथियों को पुलिस ने व्यवसायी से की मारपीट, डकैती करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़ित अपने टाटा 407 वाहन में किराना सामान लेकर वापस आ रहा था, तभी करीब 9:30 बजे सलमान खान और उनके साथियों ने धूल उड़ाने के नाम पर मारपीट शुरू कर दी। फिर कुछ देर आगे बढ़ने पर मारपीट करते हुए डकैती की गई। इस मामले की जानकारी व्यवसायी ने पुलिस को दे दी, तब पुलिस ने सलमान खान सहित उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। रुकिए, हम एक्टर सलमान खान की बात नहीं कर रहे हैं, दरअसल हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा जिले की पामगढ़ थाने की, जहां व्यवसायी मानू अग्रवाल ने आकर रिपोर्ट लिखाई कि अपने टाटा 407 वाहन में अपने ड्राइवर परमेश्वर दास व लेबर अरु दास के साथ किराना सामान लेने बिलासपुर आया था। अपने टाटा 407 वाहन में किराना सामान लेकर वापस आ रहा था। करीब 9:30 बजे पामगढ़ में 2 मोटरसाइकिल पर 5 व्यक्ति आए और 407 गाड़ी को रुकवा कर धूल उड़ाने की बात कहकर ड्राइवर को लात घूसा मुक्का से मारपीट किया। आगे पुनः फिर वापस 5 व्यक्ति आकर गाड़ी का रास्ता रोककर ड्राइवर व व्यवसायी मानू अग्रवाल, लेबर अरुण सिदार को भी गाड़ी से उतरवा कर लात घूसा बेल्ट से मारने लगे और मानू अग्रवाल के जेब में 3200 किराना बिल और गाड़ी के सीट में रखे बैग से 90,000 लेकर 5 व्यक्ति पामगढ़ की ओर भाग गए, जिसकी लिखित रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया एवं मुखबिर की सूचना पर पता चला कि चंडीपारा निवासी सलमान खान अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों की पतासाजी के संदेह पर सलमान खान चंडीपारा एवं 2 औपचारिक बालक साकिन पामगढ़ को मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किए, जिनके पास से लूटपाट की नकदी रकम में से 3 आरोपियों से टोटल 55,000 एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल औपचारिक बालक से बरामद कर पुलिस ने कब्जे में लिया और आरोपियों को न्यायिक कार्यपालिक दंडाधिकारी पामगढ़ की उपस्थिति में शिनाख्त कार्यवाही कर आरोपियों को जुडिशनल रिमांड पर भेजा गया। पामगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें प्रार्थी मानू अग्रवाल, जो कि सारंगढ़ के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाने में आकर ये लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 8/7/2020 को वो अपने ड्राइवर परमेश्वर दास और लेबर अरुण सिदार के साथ अपनी टाटा 407 वाहन में बिलासपुर से किराने का सामान खरीदकर वापस आ रहे थे। उसी दौरान जब वो पामगढ़ पहुंचे तो 2 बाइक में, एक बाइक में 3 और एक बाइक में 2, तो कुल 5 लोग, कुल 5 अज्ञात व्यक्ति जिन्हें वो जानते नहीं थे, वो आए और उनके द्वारा प्रार्थी मानू अग्रवाल और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और साथ ही उनसे 93,000 रुपए की लूट भी की गई।
जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें धारा 395, 341 और 323 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें सिटी के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, उसके आधार पर संदेहियों की पहचान कर उन्हें थाने में बुलाया गया और उनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिस पर तीन आरोपी जिसमें सलमान खान और दो अपचारी बालक, इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने इस घटना को कारित करना स्वीकार किया और उनके पास से कुल 55,500 रुपये जब्त किए गए और साथ ही उनके द्वारा घटना में उपयोग किया गया बाइक डिस्कवर, उसे भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसके बाद दो आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। तीन आरोपी जिसमें एक सलमान खान और साथ ही दो अपचारी बालक, इन सभी की विधिवत गिरफ्तारी कर इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। इस संपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई है और दो दिन के अंदर ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बबलिन डीसी हेमंत जायसवाल की रिपोर्ट, ACN 24।